तो चलिए, जो आपके जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिन थे उनके बारे में हम लोग बात कर चुके थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे फरवरी महीने के बारे में। जो फरवरी महीने में जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं उनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। याद रखिए, स्थायी आंकड़े लिए गए हैं, इसमें आपकी थीम नहीं बताई जा रही है। तो जब भी आप पेपर देने जाते हैं उस समय इनकी थीम देख लिया करिएगा, ठीक है। वन डे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते रहते हैं, और सिविल सर्विस स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में भी आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते रहते हैं। तो आपसे पूछे अगर कि 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है, या आपसे पूछे कि तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये देखेंगे 1 फरवरी। 1 फरवरी। अगर आपसे पूछे कि याद रखिए 2 फरवरी को, एक और मुझे याद आ गया इसमें, सॉरी माफ करना है। देखिए, पूरे हर डेट को याद कर पाना या सम्मिलित कर पाना मुमकिन नहीं होता है। आप लोगों की जो भी बायोग्राफी कवर की हुई है, अब आप कहिए कि गांधी जी के बारे में पूरा बता दीजिए। देखिए, वो आंकड़े बता दीजिए दिए जाते हैं आपको जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन आप जानते हैं गांधी जी की पूरी आत्मकथा कवर कर पाना मुश्किल है, क्योंकि आप देखते हैं बुक्स आती है पूरी उनकी, तो आप उसे अगर आपको विस्तार से पढ़ना है उस बारे में पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह के ये आंकड़े होते हैं। दिवस कई मनाए जाते हैं, लेकिन कई दिवसों को मैं शामिल भी कर लेता हूँ, और कई को क्या रहता है कि हमें खुद मालूम नहीं रहता है कि कौन कौन से दिवस मना लें, समझ रहे हैं। डेली एक ना एक दिवस लॉन्च होता रहता है एक तरह से। तो 2 फरवरी को आप लोग याद रखिए विश्व आदभूमि दिवस भी मनाया जाता है। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, विश्व आदभूमि दिवस, ठीक है। लेकिन बोल के मैं बता दूंगा जो जो मुझे याद है। चार, अगर आपसे पूछे विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस, तो आप देखेंगे 4 फरवरी को आपका विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके कई बार पूछ लिए गए हैं। विश्व कैंसर दिवस हर साल आप देखेंगे 4 फरवरी को कैंसर रोग के बारे में जानकारी बढ़ाने और कैंसर की रोकथाम की पहचान व उपचार को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर पर यानी कि वर्ल्ड स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण ने वर्ष 2008 में विश्व कैंसर दिवस स्थापित किया था, ठीक है, तभी से मनाया जा रहा है। और एक बात और, इसके कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग, मतलब एक तरह से इसके मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि श्रीलंका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, ये आप देखेंगे 4 फरवरी को। श्रीलंका को 4 फरवरी 1948 को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, और श्रीलंका में 4 फरवरी 2018 को 70वां स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था कुछ समय पहले, ठीक है। इस तरह की 70वीं 80वीं 90वीं 100वीं इस तरह के जो भी आंकड़े होते हैं इनके बारे में इसी दिन के लिए चर्चा में भी रहता है। तो आपको सीधा सा याद रखना है कि श्रीलंका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, 4 फरवरी को। आप लोगों के नीचे लिखना है भारत कब आजाद हुआ, भारत को कब स्वतंत्रता मिली है। पिछले हम लोग जनवरी के जब महीने देख रहे थे तब बात भी की थी उस पर, तो नीचे कमेंट में लिखिए आप लोग। और एक आपका आपसे पूछे कि सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है, 9 फरवरी को। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है, 9 फरवरी को। याद रखिए, आजकल आप देख रहे हैं कि इंटरनेट हर कोई यूज कर रहा है। आप देखिए, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी आजकल इंटरनेट का यूज कर रहा है दवा की, समझ रहे हैं। तो इससे इस तरह इसे जागरूक बनाए रखने के लिए इसका उपयोग इसे दिन को मनाया जाता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे एक और 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आपका 10 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 10 फरवरी को। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय डिबरमिंग दिवस कब मनाया जाता है, यह 10 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को राष्ट्रीय डिबरमिंग दिवस 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों के में आंतों के कीड़े संक्रमण के इलाज के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया था। राष्ट्रीय डिवर्मिंग दिवस के मनाने का मुख्य लक्ष्य नागरिकों के बीच कीड़ा संक्रमण के प्रति जानकारी बढ़ाने के लिए इसका एक तरह से मनाते हैं। आपसे पूछे कि बीमार का विश्व इस दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आप देखेंगे 11 फरवरी को। 11 फरवरी को। अगर आपसे पूछे कि यूनानी चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, यूनानी चिकित्सा दिवस, तो आप देखेंगे 11 जनवरी को। कब? 11 जनवरी को। अगर आपसे पूछे कि 12
फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 12 फरवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भारत में मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उत्पादक सप्ताह 12 से 18 फरवरी तक मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 61वीं वर्षगांठ वर्ष 2019 में इस दिवस को डायमंड जयंती वर्ष के रूप में भी आयोजित किया गया। तो एक बात और याद रखिए, सप्ताह की अगर पूछे आपसे तो 12 से 18 फरवरी के बीच का जो सप्ताह होता है उसे राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ठीक है। 12 फरवरी को आपका डार्विन डे भी मनाया जाता है। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 12 फरवरी को अब्राहम लिंकन का जन्मदिन भी मनाया जाता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा आपको जानकारी दे दी गई है। तो अब्राहम लिंकन के जन्मदिन के बारे में अगर आपको मनाना है, आपके अगर आइडियल पुरुष हैं वो, तो आप मना सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सरोजिनी नायडू की जयंती कब मनाई जाती है, सरोजिनी नायडू की जयंती कब मनाई जाती है, ये 13 फरवरी को देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आपसे पूछे विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो आप देखेंगे 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और विश्व रेडियो दिवस विश्व स्तर पर रेडियो के द्वारा विश्व के नागरिकों को एक मंच प्रदान करने हेतु मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस पहली बार स्पेन ने प्रस्तावित किया गया, जिसे यूनेस्को ने 3 नवंबर 2011 को अपनाया गया था। और 8वां विश्व शिखर विश्व रेडियो दिवस का आयोजन 13 फरवरी 2018 को विश्व स्तर पर किया गया था। तो इसका ये अभी महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, अगर आप जिस साल पेपर दे रहे हैं उस साल इसकी थीम देख लिया करिएगा। महत्वपूर्ण ये हो जाता है इसमें आपका कि पूछ लेगा कि सबसे पहले कब मनाया गया था, नवंबर 2011 में इसे शुरू किया गया था, ठीक है, अपनाया गया था यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। और कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। एक समय हुआ करता था, आप देखते थे कि बूढ़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो लोग एक तरह से आप समझ रहे हैं कि उनके लिए एक वरदान था रेडियो, और हर घर में आपको देखने को मिलता था रेडियो। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि इस तरह के रेडियो सब बंद हो गए मोबाइल के आने के कारण। पंडित दीनदयाल पुण्य तिथि कब मनाई जाती है? 14 फरवरी को। 14 फरवरी को, 14 फरवरी को एक दिवस और मनाया जाता है जो परीक्षा में शायद ना पूछा जाए, लेकिन आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जवान व्यक्ति आप लोग, युवा अवस्था, समझ रहे। तो ये है 14 फरवरी, सेंट वैलेंटाइन दिवस। वैलेंटाइन दिवस समझ रहे हैं, 14 फरवरी को मनाते हैं ना आप लोग। अगर आपसे पूछे ताज महोत्सव भी आपका 18 फरवरी को मनाया जाता है, ताज महोत्सव। आगे जो बढ़ते हैं हम लोग, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। देखिए, जो महत्वपूर्ण नहीं है उन्हें भी हम सम्मिलित कर रहे हैं, लेकिन इसमें पीडीएफ में आपकी वही शामिल किए गए हैं जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। वैलेंटाइन आप समझिए, आपके लिए हो सकता है जिंदगी में महत्वपूर्ण हो, लेकिन परीक्षा में हो सकता है कि पूछ ले आने वाले समय में। तो चल कम से कम जानकारी तो दे दी। अगर आपसे पूछे कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाएगा, तो आप 20 फरवरी बताएंगे। न्याय भाव को विश्व भर में जागृत करने के लिए विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिए। और मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। हर साल 20 फरवरी को पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम अरुणाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम ने 2019 में क्रमशः 47वां और 32वां राज्योत्सव भी दिवस मनाया है। ये महत्वपूर्ण नहीं है, देखिए, ये अगर आप उस राज्य के हैं तब आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है ये जरूर पूछ लेता है। 20 फरवरी को क्या है कि आप सोचिए, इस दिन इनकी स्थापना हुई थी एक तरह से, तो उसी दिन मना लेते हैं ये लोग, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है ये देखेंगे आप लोग। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरे विश्व में हर साल 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य भाषाई बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता को महत्व देना है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस सांस्कृतिक संगठन और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम
1999 में मनाने की घोषणा की थी। तो आपसे याद रखना, सबसे पहले 1991 में मनाने की इसकी घोषणा हुई थी, ठीक है। 21 फरवरी को आप लोग अंतरराष्ट्रीय मातृ दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है, ये देखेंगे 22 फरवरी को। कब? 22 फरवरी को। अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, 24 फरवरी को। 24 फरवरी को भारत में हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। सेंट्रल एक्साइज 1944 को लागू करने के समय पर हर साल 24 फरवरी को यह दिवस आयोजित किया जाता है। आबकारी विभाग के कर्मचारियों तथा केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों को अपने कर्तव्य के पालन और योगदान को यादगार करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वो अपने कर्तव्यों का पालन करें या ना करें ये अलग बात हो जाती है। वैसे आप देखेंगे अधिकतर अधिकारी हो चाहे नेता हो, अपने कर्तव्यों से बहुत दूर तक उनका नाता नहीं होता है। हकीकत इस समय की यही बनी हुई है। अगर आपसे पूछे कि चंद्रशेखर आजाद की शहादत दिवस कब मनाया जाता है, ये आप देखने को मिलेगा 27 फरवरी को। 27 फरवरी को, 27 फरवरी को विश्व सतत ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व सतत ऊर्जा दिवस के रूप में, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप देखेंगे 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। भारत में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारतीय भौतिकी विज्ञान सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के रमन प्रभाव की खोज को यादगार को चिन्हित करने पर मनाया जाता है। और ध्यान दें कि 28 फरवरी 1928 को सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। उन्हें अपनी इस खोज के लिए 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कई क्वेश्चंस आपके सम्मिलित कर लिए गए, और अगर आपको क्वेश्चंस बनाना आते होंगे तो आप बेहतर मुझे लगता है कि स्कोर कर पाएंगे। तो 28 फरवरी याद रखना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और 28 फरवरी को एक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। और 29 फरवरी राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस 4 साल में एक बार मनाया जाता है, समझ रहे हैं, राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस। चलिए, तो ये थे फरवरी माह के आपके कुछ महत्वपूर्ण एक तरह से क्वेश्चन ही कह लीजिए, और उनके आंसर बता दिए गए दिवस, ठीक है, डेज।